किसान आंदोलन के चलते जहां शहर भर में आज किसानों ने जगह जगह चक्का जाम किया है, वहीं संभालका में भी किसानों ने बीडीपी ऑफिस के सामने चक्का जाम किया। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसान सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं किसानों में सरकार के खिलाफ बेहद ही रोष देखने को मिला। कई घंटों तक जाम लगाया गया। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक उनके प्रधानों के आदेश नहीं आते, तब तक वह जाम की स्थिति को ऐसे ही कायम रखेंगे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 12 से 3 बजे तक 3 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था, प्रार्थना की थी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब वासियों से, भारत वासियों से, 12 से 3 चक्का जाम रहेगा। जो एक काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई है, उस उपलक्ष्य में आज हम रोड, नेशनल हाईवे जिसको जाम किया हुआ है और ट्रैफिक रुका हुआ है, ये काले कानून जब तक मोदी सरकार नहीं लेती, किसान रुकने वाला नहीं, किसान झुकने वाला नहीं। अभी चाहते हैं हाथ जोड़ के बिल्कुल सभी ने निवेदन करके भी किसी को तंग ना किया जाए, प्यार ना सी चक्का जाम कराया हुआ। तो मेरे ख्याल पूरे इंडिया के अंदर हर थान तो कॉल आ रही है, वधिया लोगों ने भरपूर तौर पर साथ दिता, बहुत 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 धन्यवाद मेरे वीरा भरावां दा। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभालका सीसीटीवी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।